रात तकरीबन 7 बजे का समय था, थोड़ा सा थाला थोड़ा माइक है। 2 दिन राउंड पहले फायरिंग होती है, फायरिंग क्या होती है, हमने सोचा रूटीन की तरह यहाँ पे पटाखेबाजी भी होती है, आतिशबाजी भी होती है, तो शायद वो ही होती, लेकिन थोड़ी ही देर बाद के सराउंडिंग एरिया से हमें काले आने लगी कि उस घर में ये बात हुई है कि 2 आदमी को गिराया गया। मैंने सोचा हो सकता है भाई कि लोकल भी अपन लोगों के पास है, शायद उन्होंने कोई की होगी, लेकिन नहीं, उसी के बाद जो है 5 मिनट के बाद दूसरे घर उसी के साथ नीचे गया था उस घर में, वहां से वहां भी अटैक किया गया, 2-3 घरों में बराबर जो है टारगेट किया गया। उसके बाद जब लोगों को पता चल गया कि फायरिंग हो रही है, लोगों ने अपने अपने जो गेट्स है वो बंद कर दिए, जिसके कारण जो है अभी वो जो लोग हैं वो अभी ढांगरी में घूम रहे हैं। हमने उसी टाइम पुलिस को जो उसी समय कॉल की पुलिस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस जो है 1 घंटे तक वहां नहीं पहुंच पाई थी। वहां के जो लोकल निवासी थे उन्होंने वहां जाकर मुझे जो इंजर्ड थे वहां से उठाए और वहां उनको लेकर हॉस्पिटल में आए। अदरवाइज जो बाकी जो मरे जहां पहुंचे, 3 आदमी तो हमारे जो है मर चुके हैं, तो बाकी जो यहाँ पे पहुंचे ये लोकल आदमी थे, अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है कि हमारे जो डांगरी में जो 4 वो भी मर जाते, और भी पता नहीं क्या क्या अभी पीछे जो है अभी भी कॉलेज आ रही है वहां से लोगों की कि हमारे घरों में आकर गेटों को धक्के मारे जा रहे हैं। क्या इससे पहले भी वहां पे ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ है? ये नेग्लिजेंसी है यहाँ की एजेंसियों की, यहाँ एजेंसियां सिर्फ क्या कर रही है वो, अगर इतना बड़ा हादसा यहाँ डांगरी में हुआ है, अगर ये लोग डायरेक्ट पैराशूट से नहीं उतारे गए, अगर कहीं ना कहीं ये किसी बॉर्डर से या कहीं से कहीं से वहां से पहुंचे हैं ये वाला। फिलहाल जो जख्मी है उनकी क्या स्थिति है? स्थिति जो है वो भी क्रिटिकल कंडीशन में, अभी हमें किसी की हालत के ऊपर कुछ नहीं कहता, और भी लोग जो आ रहे हैं अभी पता नहीं कितने हमारे लोग इंजर्ड है, तो इमीडिएटली जो आर्मी लगा जो हमें पुलिस के ऊपर कोई यकीन